नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओमान पुलिस आरोपी की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि 2022 में क्या होगा, वीजा का फीस बढ़ जाएगा। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या वीजा रिन्यूअल का फीस बढ़ने वाला है, या जो लोग नए वीजे पे जाने वाले हैं ओमान, क्या उसका प्राइस बढ़ेगा, या क्या है पूरा डिटेल? और उसके बाद बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए केसेस आए हैं। तो दोनों अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं जो आरोपी की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहां पे देखे तो बहुत सारी अफवाहें भी फैलती रहती हैं और अफवाहों का शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। यहां पे बात कर रहा हूं ओमान वीजा फीस को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे इस समय देखे तो बहुत जोरों शोरों से ये वीडियो वायरल हो आइडियो वायरल हो रहा था कि ओमान में आने वाले वक्तों में 2022 में क्या होगा कि जो वीजा का फीस है इसको बढ़ा दिया जाएगा, चाहे वो नया वीजा हो या पुराना वीजा हो। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि ये अपडेट जो अब निकल के आई, इसका बाकायदा आईडियो का जांच किया गया तो ये पता चला कि पूरी तरह से फर्जी है जो सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे आरोपी ओमान की पुलिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओमान में अभी जल्दी ही वीजा का प्राइस बढ़ाया गया था, भी जल्दी ही बढ़ाया गया था ना, तो ऐसा आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होने वाला, कोई भी वीजा का फीस नहीं बढ़ेगा, जो काफी बेहतरीन रहेगा। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप मत हुई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे ओमान में पिछले 24 घंटों में केसेस की संख्या क्या रही है। तो उसके अगर जो केसेस की संख्या की बात करें तो आज के दिन अगर जो देखे तो रिकॉर्ड फिर टूटा है, क्योंकि 2 महीने के बाद इतने केसेस आए। फाइनली यहाँ पे 55 दिनों के बाद कोई आदमी एक्सपायर हुआ है, जो काफी दुखद है। अगर जो देखें एक्सपायर का, तो पिछले 24 घंटों में 2 आदमी एक्सपायर हुए हैं इस कोरोना वायरस से, जो कि काफी दुखद है भाई। तो अगर जो केसेस की संख्या की मैं बात कर लूं कि आज कितने केसेस आए हैं, तो 104 नए मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटों का। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अपडेट है, जिसमें से अगर टोटल केसेस की संख्या की बात कर ले यहाँ पे 29 दिसंबर 2021 तक के, तो यहाँ पे 3,05,357 आदमी अब तक इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से, मतलब देखे तो इसका इससे पीड़ित हो चुके हैं। जिसमें से इसमें रिकवर कितने लोग हुए हैं उनकी मैं बात कर लूं तो यहाँ पे 3,03,355 आदमी अब तक इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जो काफी बेहतरीन है। रिकवरी रेट की भी बात करें तो यहाँ पे 98.4% है, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ओमान के लिए। अगर जो पिछले 24 घंटों की बात कर लूं कि यहाँ पे कितने लोग रिकवर हुए, तो उनकी अगर जो बात करें यहाँ पे 14 आदमी पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए, वो भी काफी बेहतरीन है, क्योंकि केसेस की संख्या तो दिन ब दिन हालांकि बढ़ रहा है ओमान में। उसके बाद देखें तो पिछले 24 घंटों में दो आदमी इस कोरोना वायरस से अपना जान गंवा बैठे, जो काफी दुखद है भाई, क्योंकि लंबे समय के बाद ओमान में कोई भी आदमी इस कोरोना वायरस से एक्सपायर हुआ। टोटल की बात कर ले कि आज तक ओमान में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, तो यहाँ पे 4,116 आदमी अब तक इस कोरोना वायरस से अपना जान गंवा बैठे, जो काफी दुखद है। अगर जो आप ओमान में रहते हो भाई, ओमान क्या पूरी दुनिया, सऊदी या दुबई, ओमान या कहीं पे इंडिया में, खुद अभी इंडिया में आप भी रहते हो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय देखें तो दुनिया में मतलब फिर से जो नया वेरियंट आया है वो काफी तेजी से फैल रहा है। तो आप अपनी सेफ्टी खुद रखिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीन आप जरूर लगवा लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।